गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए दंडंकार जी। प्यारी प्यारी साध संगत जी, आज का टॉपिक है पल पल तू भयभीत होगा हरि को जो बिसराएगा। प्यारी साध संगत जी, ये डर भय क्या है? डर और भय है परमात्मा को भूल जाना। जब हम इस निरंकार को भूल जाते हैं तो हमारे जीवन में डर और भय, माया, भ्रम, सारी तकलीफें हावी हो जाती हैं। कहे हनुमंत, विपत प्रभु सोई जब तब सिमरण भजन न होई। हनुमान जी कह रहे हैं कि अगर सिमरण भजन नहीं हो रहा है तो परेशानी ही परेशानी है, लेकिन जहां गुरु का गुणगान होता है तो मुसीबत आ नहीं सकती। जहां गुणगान तेरा है वो घर जन्नत से बढ़िया है जहां तेरा बसेरा है। जहां दिन रात 24 घंटे आठों पहर गुरु की चर्चा होती है, सत्संग होता है, निरंकार का ध्यान होता है, वहां कोई मुसीबत आती नहीं है। लेकिन जहां गुरु की भक्ति नहीं है तो लिखा है संतों ने कि जाकर गुरु की भक्ति नहीं संत नहीं मेहमान, और तागर यम डेरा किया जीवत भय मसान। जिस घर में गुरु की भक्ति नहीं है वहां काल का डेरा होता है, वहां यमराज का डेरा होता है, वहां मृत्यु तांडव करती है, दुखी दुख रहता है। जिस घर में भक्ति नहीं है गुरु की, जिस घर में सत्संग नहीं होता है वहां पर भय है, डर है, डर का वातावरण रहता है। जिस घर में सत्संग नहीं होता जाके उस घर की हालत देखें, क्योंकि दास ने देखा है। जब दास कोई भी चीज देखता है, एक्सपीरियंस करता है, तो उसको डंके की चोट पे बोलता है, जागर गुरु की भक्ति नहीं संत नहीं मेहमान, तागर यम डेरा किया जीवत भय मसान। मसान जिंदे हो जाते हैं, ये भ्रम जिंदा हो जाता है, भ्रम हावी हो जाता है, और जो भ्रम के चक्कर में पड़ जाता है वो दुखी रहता है, क्योंकि वहां पर उजाला नहीं है। और जहां उजाला नहीं है वहां अंधेरा है, और जहां अंधेरा है अज्ञानता है, वहां पर भय है। पल पल तू भयभीत होगा हरि को जो बिसराएगा। सत सम्राट सदगुरु हरदेव सिंह महाराज जी हमें समझा रहे हैं इस बात को। संपूर्ण हर देवाणी शब्द संख्या 90। बाबा जी कहते हैं, ऐ मन सुमरण कर, सुमरण ही जीवन का आधार है। सुमरण करने वाला जन ही भव से होता पार है। जैसे जल में मछली ऐसे निरंकार में वास तेरा, इसका हो एहसास तुझे और डोले ना विश्वास तेरा। पल पल तू भयभीत होगा हरि को जो बिसराएगा, हरि का सुमरण करने से ही भय से मुक्ति पाएगा। तेरी रक्षा करने वाला अंग संग ये निरंकार है, इसका ही सहारा तूने लेना बारंबार है। सुमरण की कमी ना आए, श्वास श्वास में सुमरण हो, कई हरदेव तन मन जीवन सब मालिक को अर्पण हो। बाबा जी अच्छी तरह हमें समझा रहे हैं कि सिमरण करो, आनंद मगर हो निश्चुक पाओ, तु ही निरंकार करो, गीत इसी के पल छिन गाओ, तु ही निरंकार करो, गुरु ज्ञान से इसे पाया, तु ही निरंकार करो, मन बुद्धि को यही टिकाओ, तु ही निरंकार करो। कि जेहन में निरंकार, माइंड सेट निरंकार, हर पल हर घड़ी 24 घंटे आठों पहर सिर्फ निरंकार होना चाहिए। निरंकार के सिवा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। सिमरण, याद, एहसास हमेशा बना रहे, क्योंकि निरंकार ही जीवन का आधार है। जब उसको याद करेंगे तो ये आधार बनेगा। अगर निरंकार को याद नहीं करेंगे तो निरंकार हमारा आधार कैसे बनेगा? याद करना पड़ता है। याद का मतलब होता है दया, याद का उल्टा होता है दया। जब इस निरंकार को याद करते हैं, गुरु को याद करते हैं, तो गुरु दया करता है, कृपा करता है गुरु, और हमारे जीवन का आधार बन जाता है। सिमरण करने वाला जन ही भव से होता पार है। जो सिमरण करता है, जो इस नाम में डूब गया, इस निरंकार में डूब गया, वही भव सागर पार करेगा। जो डूबे हैं गुरु की मस्ती में, चार चांद लग जाते हैं उनकी हस्ती में। जिनकी लागी लगन गुरु नाम में, उनका दिया भी जलेगा तूफान में। जो अपनी कश्ती सतगुरु के सहारे छोड़ दिया करते हैं,
को तूफान भी उन कश्तियों के किनारे छोड़ दिया करते हैं जिन्हें आसरा तेरा उन्हें कोई गम नहीं होता, खजाना मुस्कुराहट का कभी भी कम नहीं होता, बाहर कुल जमाने की सजा रहती है उनके पास, रुकावट रास्ता रोके मगर उसमें तब नहीं होता। जग का मालिक याद रहे तो गम भी देता कमी नहीं, जग का मालिक याद रहे तो रहती कोई कमी नहीं, जग का मालिक याद रहे तो हर कारज होता पूरा है, जग का मालिक याद रहे तो कायर बनता सूरा है, जग का मालिक याद रहे तो मौत का भय मिट जाता है, कह अवतार ज्ञान के बिना मालिक याद ना आता है। इस मालिक निरंकार को याद करना पड़ेगा कि तू मालिक तू खालिक मेरा, तुझ आगे अरदास करूं, तन मन धन सब तेरी माया अर्पण सारी दास करूं, तू ही माता पिता है सबका, बच्चे बाले तेरे हैं, तेरी दया दृष्टि है तो घर सुखों के डेरे हैं, अंत न तेरा जाने कोई, तेरा रूप न्यारा है, तू ऊंचा है सबसे ऊंचा, तेरा एक सहारा है, अपनी हद और अपनी हालत तुमसे रोशन सारी है, अवतार दास तेरे दासों का चरणों पर बलिहारी है। तो ये है प्रेम, प्रभु से प्रेम। जब प्रभु से प्रेम होगा ना तो सिमरन अपने आप होगा, हम जिसको प्यार करते हैं ना तो उसको हमेशा याद करते हैं, फिर तो बोलना नहीं पड़ता कि उसको याद करो। अगर निरंकार से प्यार है, गुरु से प्यार है, तो अपने आप गुरु का नाम इस जुबान पे आएगा, फिर तो रोम रोम में राम बस जाएगा। जैसे जल में मछली ऐसे निरंकार में वास तेरा, इसका हो एहसास तुझे और डोले ना विश्वास तेरा। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी में इस बात को समझा रहे हैं कि जैसे जल में पानी के अंदर मछली होती है, वैसे हम इस निरंकार के अंदर हैं। जल में मीन प्यासी, मैं सुन सुन आवे हंसी। अगर जल के अंदर मछली है और बोलती है मुझे प्यास लगी है तो हंसी आती है। तो अगर कोई इस निरंकार के अंदर है और निरंकार को प्रभु को ढूंढ रहा है, क्योंकि संसार आज अज्ञानता में भटक रहा है, कोई कंदराओं में पहाड़ों में जा रहा है, जंगल जंगल भटक रहा है परमात्मा को पाने के लिए, तो गुरु ने तो प्रत्यक्ष प्रकट कर दिया। सतगुरु जब मिलते हैं तो जगह पे परमात्मा दिखा देते हैं कि अंग संग जो प्रभु हमारे ही हमारा अपना है, पक्का रिश्तेदार यही है। और हर इसका सपना है कि पक्का रिश्तेदार निरंकार है, अंग संग जो प्रभु हमारे यही हमारा अपना है, पक्का रिश्तेदार यही है। और हर इसका सपना है यही हमारा मंदिर मस्जिद मक्का काबा जारत है, यही हमारा माल खजाना यही हमारी दौलत है, जिनको यह रब याद रहा ना खाली वे बेचारे गए, कहे अवतारों पंक्ति सारे खोज खोज में मारे गए। खोज जारी है, परमात्मा की तलाश जारी है। जल में मीन प्यासी मनसुन सुना बेहसी, लेकिन एक ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा वो अंग संग महसूस करते हैं कि अंग संग ये प्रभु है, ये हमारा अपना है, पक्का दोस्त मित्र साथी, ये हमारा प्रेमी है। तो ये प्रेम का बंधन, अटूट बंधन, गुरु निरंकार के साथ जो दिल का रिश्ता जुड़ जाता है ना, सच्चा बंधन। सतगुरु जैसा इस दुनिया में और न कोई मित है, प्रीत झां की झूठी साधो सांची गुरु की प्रीत है, मानव तन की इस जीवन की गुरु कारण जीत है, गुरु बिना ये जन्म मूलक यूं ही जाता बीत है, सतगुरु के कारण ही मन में गूंज रहा संगीत है, कहे हरदेव गुरु कृपा से गूंगा गाता गीत है। जब गुरु कृपा होती है ना तो गूंगे ही बोलने लगते हैं, गूंगे भी राग अलापते हैं, गूंगे भी गाना गाते हैं, पिंगले पर्वत चढ़ जाते हैं। गुरु राई को पर्वत बना देता है, गुरु कुछ भी कर सकता है। गुरु निरंकार असंभव को संभव कर देते हैं, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देते हैं। तीन लोग न खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कस कि गुरु करे सो हुई। तो गुरु के हवाले हो जाना है। बाबा जी कहते हैं कि इसका एहसास करो, जब एहसास होगा तभी तो विश्वास होगा ना। जब गुरु निरंकार का एहसास करेंगे तब इस पर विश्वास होगा कि मेरा डोले ना एतबार भक्त श्रद्धा भक्ति प्यार, दतार मेरा एतबार ना डोले, मेरा विश्वास ना डोले। ये अवस्था कब बनेगी? जब इस निरंकार के एहसास में रहेंगे तब विश्वास आएगा। अहमंदरक विश्वास प्रभु पंडित आनंद उठाएगा, पक्का है विश्वास तेरा तो दुख भी सुख बन जाएगा, लहरें खाएंगी हिचकोले नया डग मगाएगी,
है अगर विश्वास के चप्पू नैया डूब न पाएगी। विश्वासी जन का यह होता भव से पार उतारा है, विश्वासी जन को ही मिलता इससे सदा किनारा है। दुनिया का एतबार करेगा पक पक ठोकर खाएगा, ईश्वर पर विश्वास रखेगा मंजिल अपनी पाएगा। भक्तों के विश्वास की दाता रक्त आया लाज है, दीन दयालु ने भक्तों का सदा संवारा काज है। कभी तेरा विश्वास न टूटे दुख आए या सुख आए, कई हर देव डोल न जाना चाहे कुछ भी हो जाए। कि अंगसंग निरंकार है, ये हमारे पास है और ये जो करता है हमारे भले के लिए करता है। अगर थोड़े बहुत दुख तकलीफ भी आ रहे हैं वो हमारे भले के लिए आ रहे हैं, उसमें हमारी भलाई, उसमें हमारी अच्छाई है। इसलिए कभी भी परमात्मा पर गिला शिकवा नहीं करना है, हमें शुक्राने का भाव होना चाहिए और दातार से शक्ति मांगना है कि मेरे मालिक आप जो करते हो अच्छा करते हो, अगर दुख तकलीफ भी लाइफ में आ रही है तो शक्ति देना, दुख तकलीफ का भी शुक्रिया है, शुक्राना है। आप जो भी करते हो हमारे भले के लिए करते हो, अगर थोड़े मोड़े दुख तकलीफ भी जीवन में आ गए ना तो भी उसका शुक्रिया है, क्योंकि इसी में भलाई है। तो आप जो करते हो प्रभु अच्छा करते हो, तो ताकत देना। अगर दुख देना तो दुख को झेलने की ताकत देना। ये भक्त अरदास करते हैं क्योंकि इसके एहसास में होते हैं, तो निरंकार से बात करते हैं। इसका हो एहसास तुझे और डोले ना विश्वास तेरा, पल पल तू भयभीत होगा हरि को जो बिसराएगा, हरि का सिमरन करने से ही भय से मुक्ति पाएगा। कि अगर निरंकार भूल जाएगा तो डर सताएगा, अगर इस निरंकार को याद करते रहेंगे हम, इसका सिमरन करते रहेंगे, इसके एहसास में रहेंगे तो भय से मुक्ति मिल जाएगी, डर भय सताएगा नहीं। तेरी रक्षा करने वाला अंगसंग के निरंकार है, इसका ही सहारा तूने लेना बारंबार है। कि हर पल ये हमारा हमारे साथ रहता है, हमारे पास रहता है, ये हमसे बिल्कुल दूर नहीं है। जितना करीब खुदा उतना करीब ना कोई, समझ उसी को आई जिस पर रहमत होई। अंगसंग तेरे निरंकार है, ध्यान इसी का धरता जा, फिक्र तेरी आप करेगा जिक्र उसका करता जा। निरंकार ने जैसे रखा वैसे रह के शुक्र मना, जो होगा अच्छा ही होगा ऐसा मन में भाव बना। ये सहारा गुरु का सहारा बार बार लेना है कि परमात्मा जो करते हैं, गुरु जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया प्रभु। सुमरण की कमी ना आए, सांस सांस में सिमरण हो, कहे हर देव तन मन जीवन सब मालिक को अर्पण हो। कि सिमरण कमी नहीं आना चाहिए, सिमरण कमी आने का मतलब ही दुख है। सिमरण जितना ज्यादा उतना करे, श्वास श्वास सिमरण करे, हर पल हर घड़ी श्वास श्वास सिमरो गोविंद। मन अंतर की उतरे चिंत, तजो सब भ्रम भजो पार ब्रह्म, कहे नानक अटल्य धर्म। लेके में वही घड़ी जब साहिब आवे याद, और मृतक कहिए नानक जिन प्रीत नहीं भगवंत। तो हर पल हर घड़ी हर हाल में परमात्मा को याद करना है और सब कुछ परमात्मा के हवाले कर देना है। तन मन जीवन सब मालिक को अर्पण हो, तो ये अर्पण समर्पण होना चाहिए, यानी सब कुछ निरंकार का है। पहले पण में ही हमने तन मन धन प्रभु के देने प्रभु का समझो, पहले पण में ही निरंकार को सब कुछ दे दिया है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया तो क्या लागे है मेरा। सब कुछ परमात्मा का समझ के कि तन ये मन धन सब परमात्मा का, निरंकार का है, गुरु का है, तो परमात्मा का समझ के इस्तेमाल करना है और सरेंडर हो जाना है। समर्पण मतलब होता है गुरु की मर्जी में जीना, गुरु की इच्छा में जीना। अब भक्त कोई इच्छा नहीं है, और जब हमारी इच्छाएं समाप्त होती हैं, हम गुरु की इच्छा ही जीते हैं, गुरु की मर्जी में जीते हैं, तब सुखी हो जाते हैं। तो प्यारी साध संगत जी, हर पल हर हाल में सुख हो दुख हो, कैसे भी हालात हो कैसी भी परिस्थिति, एक जैसी मनोस्थिति, हर हाल में हम निरंकार को याद करें। और अगर निरंकार को भूल जाएंगे तो फिर यही बात जो टॉपिक बोल रहा है कि पल पल तो भयभीत होगा हरि को जो बिसराएगा, कि डर भय सताएगा, हरि का सिमरण करने से भय से मुक्ति पाएगा। तो हर पल इसके एहसास में जिए तथा कृपा करें हम सभी हर पल हर हाल में इस दत्ता निरंकार का एहसास करें, इसका सिमरण करें, इसको याद करें। तू निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो,
तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण है, मैं बख्श लो। प्यारे प्यारे साध संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी।